नमस्कार दोस्तों, आज हम खट्टा दाल बनाने जा रहे हैं जो उड़ीसा और कलकत्ता में बहुत पसंद किया जाता है। बंगला में इसे टोक दाल बोला जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए हमने एक कटोरी मसूर का दाल लिया है और हमें चाहिए कच्चा आम, टमाटर, हरी मिर्च, सरसों तेल, राई, हल्दी पाउडर और नमक। सबसे पहले दाल धो लेंगे। दाल धो लिया है, कुकर में डाल लेंगे। दाल में 2 गिलास पानी डाल लेंगे। 100 ग्राम दाल है, आधा लीटर पानी ले रहे हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्च को बीच से काट कर डाल लेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। लंबे स्लाइस में काट लेंगे। कच्चे आम को छील लेंगे। अगर आप खट्टा कम पसंद करते हैं तो ये काम डालें। हम 2 आम यूज कर रहे हैं। बीज निकालकर छोटे छोटे स्लाइस कर लें। सारा आम काट लिया है, इसे दाल में डालेंगे। कुकर में 3 सीटी लगवा लें। दाल बन गया है, छौंक तैयार करेंगे। गैस ऑन कर लिया है, इस पे कलछुल रखेंगे। कलछुल गरम हो गया, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, राई डालेंगे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे। सरसों चटक गया है, इसमें दाल में तड़का लगाएंगे। तड़का लगा लिया है, इसे चला लेंगे। टॉक दाल तैयार है, इसे आप चावल के साथ सर्व करें।